सबको नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगी तितली आसन के बारे में। इस आसन से आप देखेंगे कि आपके घुटने और नितंब की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, और जिन लोगों को पद्मासन और सिद्धासन लगाने में प्रॉब्लम होती थी, इसके रोजाना अभ्यास से आप देखेंगे कि आसन आपसे बहुत आराम से लग गया है। उन लोगों के लिए भी आसन बहुत अच्छा है जो लगातार खड़े होने की जॉब करते हैं, क्योंकि इस आसन की प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपके पैरों का स्ट्रेस दूर हो गया है। आइए देखते हैं कैसे करना है ये अभ्यास। हमें आना है इस तरह दंडासन में। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को भी मोड़ेंगे। दोनों पैरों की हमारी जो तलवे हैं एक दूसरे की तरफ फेस रहेंगे। हाथों की से ग्रिप बना के अपने पैरों को पकड़ेंगे। ध्यान रहे कि हमारे पैर जितने हमारे शरीर से सटे रहें उतना ही अच्छा है। कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर जितना हमारा पैर जहाँ तक जा रहा है हमें उतना ही करना है, और फिर श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। ध्यान रहे कि हमारी कमर गर्दन इसमें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसका रोजाना अभ्यास से आप धीरे धीरे पद्मासन और सिद्धासन लगाने लगेंगे, जैसे कि मैंने बोला है। लेकिन एक ध्यान रखें, जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है और कमर में दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें। ओम नमः शिवाय।